No, hear me, I say, hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything, we'll report to you. Thank you. तो चंद्रबाबू नायडू को आप सुन रहे थे। चंद्रबाबू नायडू की एनडीए की सरकार में बड़ी भूमिका होने जा रही है। टीडीपी सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आती हुई, जिसमें चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर और केंद्र सरकार में कम से कम 5 महत्वपूर्ण मंत्री पद मांग सकते हैं। जी, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा या उसके बदले एक बड़ा आर्थिक पैकेज हासिल करना चंद्रबाबू नायडू की प्राथमिकता में है। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का समन्वयक बनाने पर भी विचार हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री को 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने का न्योता भी देने वाले हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, टीडीपी सूत्रों के हवाले से हालांकि यह बड़ी खबर, जिसमें कहा जा रहा है कि संभवतः 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है वो टीडीपी की तरफ से मांग के तौर पर रखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की जा सकती है और एनडीए के समन्वयक भी चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो बन सकते हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और अब बात मीसा भारती की, जिन्होंने पहली बार जीत हासिल की और इस हासिल को करने के बाद जो सर्टिफिकेट उनके हाथ में था, जीत के बाद उस सर्टिफिकेट को अपने पिता लालू प्रसाद को दिखाती हुई वो नजर आ रही हैं। पिता और बेटी की ये तस्वीर मीसा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। तो खुशी का ठिकाना एक पिता के लिए भी बिल्कुल इस पत्र को देखकर नहीं रहा होगा, क्योंकि ये एक लंबे इंतजार के बाद तीसरी बार उस चुनावी जंग में वो उतरी रामकृपाल यादव के सामने और उसके बाद जीत हासिल की उन्होंने, और जीत के सर्टिफिकेट को अपने पिता को दिखाती हुई मीसा भारती, लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा दी है, जिसको लेकर पटना में जगह जगह देखिए पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की एकजुटता को दिखाया गया है। मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक की बधाई। देखिए, ऐसे तमाम पोस्टर आपको राजधानी पटना के चौक चौराहों पर नजर आ जाएंगे। पटना के आयकर गोलंबर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में